नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी 50 इंडेक्स की चर्चा करेंगे कि आज निफ्टी 50 ने किस तरह से ट्रेड किया और मंडे के सेशन में निफ्टी इंडेक्स किस तरह से ट्रेडिंग कर सकता है। और निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक हैं उन सभी स्टॉक्स की आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहाँ कौन सा स्टॉक सपोर्ट पर है, कहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, कहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, कहाँ से सेलिंग करनी चाहिए, उन सब चीज़ों की आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी जो है देखा कंटिन्यू कि 5 दिन से हम यहाँ पर देखिए कंटिन्यू देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है निफ्टी में। मीन्स यहाँ पर देखिए आज भी जो निफ्टी का हाई लगा वो प्रीवियस जो हाई था उसके आसपास से निफ्टी आज रिवर्स हो गई। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को सवेरे मॉर्निंग के टाइम में चार्ट पैटर्न भी एक पोस्ट किया था और चार्ट पैटर्न में जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी निफ्टी 50 में उसको मैंने आपको बताया था। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 दिनों से कंटिन्यू हम एक रेंज में फंस चुके हैं। ऊपर की देखिए जो रेंज है वो 15,250 की है और जो नीचे की रेंज है वो 14,985 की है। मीन्स देखिए ये जो रेंज है हमारे पास ये ऑलमोस्ट 300-325 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। अब देखिए जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हमको ये 300 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो नीचे भी हम 300-350 पॉइंट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक लॉजिकली चीज बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है निफ्टी 50 में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको चार्ट को जूम छोटा कर लिया है और यहाँ पर देखिए एक नीचे से ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है और एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को यहाँ से अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमको एक यहाँ पर चैनल पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चैनल पैटर्न हो गया और इसी चैनल में कंटिन्यू निफ्टी मार्च के महीने से और आज तक ये ट्रेडिंग कर रहा है। मीन्स देखिए हम कंटिन्यू इसी चैनल के अंदर, देखिए साल भर के अराउंड होने वाला है, मार्च महीना आने वाला है, एक साल से हम इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए हम जब जब अपर ट्रेंड लाइन पर आए हैं, देखिए एक बार यहाँ पर आए हैं, यहाँ से नीचे आए हैं, यहाँ पर आए हैं अगेन यहाँ पर डाउनफॉल, यहाँ पर आए हैं अपर ट्रेंड लाइन पर अगेन डाउनफॉल, और जब जब नीचे आए हैं देखिए यहाँ से ऊपर हुए हैं, यहाँ देखिए जब लोअर ट्रेंड लाइन को टच हुआ है तो अगेन ऊपर, यहाँ लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके अगेन ऊपर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अपर ट्रेंड लाइन पर अब अगेन दोबारा यहाँ पर आकर खड़े हो चुके हैं। मीन्स देखिए अब हम बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर खड़े हैं। अब देखिए हमको बाइंग की सिनेरियो करनी है जब कोई बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करे और उसके ऊपर एक दिन और वहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तब यहाँ पर जो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर 70-30 का यहाँ पर जो है सिनेरियो चल रहा है, तो 70% यहाँ पर सेलिंग के चांसेस लग रहे हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने वाले हैं। मे बी देखिए टारगेट मैं 14,500 के आसपास का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये ब्रेक होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीटली लॉजिकली बता दिया कि हम एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, असेंडिंग चैनल है और बिल्कुल अपर बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ध्यान देने की बात है। अब चलिए मैं इनको डिलीट करता हूं और आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं। जैसा कि मैंने जो चार्ट मैंने आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में पोस्ट किया था पहले हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये यहां से बैंक निफ्टी जो आज स्टार्ट हुई है तो मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर बता देता हूँ कि जहाँ से आज बैंक निफ्टी स्टार्ट हुई वहाँ से कंटिन्यू ऊपर की जाना तरफ जाना स्टार्ट हो गई। देखिए मैंने आप लोगों को ये एनालिसिस करके बताई थी कि इसके ऊपर अगर निकलते हैं हम 15,150 का लेवल क्रॉस करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्रॉस बनाकर बताया था इस तरह से। ये देखिए ये मैंने एक क्रॉस बनाकर ऊपर की तरफ बताया था कि यहाँ से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से हम नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जाकर दोबारा टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं कंटिन्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल्स देता रहता हूं, वहां पर ये सारे चार्ट में पोस्ट करते रहता हूं। तो देखिए मॉर्निंग टाइम में मैंने आप लोगों को यही चार्ट पोस्ट किया था कि 15,150 के ऊपर मैंने एक एरो का निशान बनाकर दिया था और बताया था कि मॉर्निंग टाइम में ये ऊपर की तरफ जा सकता है और जैसे ही हम प्रीवियस हाई टेस्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर हमने जो प्रीवियस हाई टेस्ट किया वो 11:15 बजे के आसपास किया। प्रीवियस हाई टेस्ट करने के बाद यहां से देखिए हम कंटिन्यू नीचे की तरफ हम गिरते चले गए। अब देखिए ऊपर का जो हाई लगा है वो 15,240 आसपास का, जो नीचे का लो है वो 15,082 के आसपास का। मींस देखिए हम जो है काफी यहां पर गिरे हैं, देखिए कह सकते हैं 240 और यहां से हम देखें तो ये 0.40 ऑलमोस्ट देखिए 150 से ज़्यादा यहाँ का डाउनफॉल आया है। अगर आपने मॉर्निंग टाइम में वो चार्ट फॉलो किया होगा या फिर चार्ट पैटर्न को देखा होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है मंडे के सेशन में। देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। अभी
भी हम बिल्कुल एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आगे खड़े हैं, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट है। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, अब हमारे लिए इसका काम है। तो ये सपोर्ट देखिए, यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होकर हम अगेन ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा जो है सपोर्ट लेवल होगा 15,000 का। देखिए हम एक बार यहाँ से बाउंस बैक हुए हैं, दो बार यहाँ बाउंस बैक, फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम जब आएंगे तो अगेन ये हमारा एक बाइंग लेवल है और यहाँ से हम अगेन बाउंस बैक हो सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, अब मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बता दूँ कि ये जो हमारा 15,250 का लेवल होगा, जब भी यहाँ पर आपको मिले तो यहाँ पर सेलिंग के लिए देखना है, और जब भी 15,000 के लेवल के आसपास मिले तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है। अब देखिए गैप अप, यहाँ से मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद आपको 15,250 पे मिलता है तो यहाँ पर बिल्कुल सेल का ट्रेड बनाइए। बट वहाँ पर जो कन्फर्मेशन, मतलब बहुत जरूरी है, कन्फर्मेशन चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है तो हमको बाइंग के लिए देखना है फिर। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। चलिए मैं आपको गैप डाउन का भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए गैप अप का तो मैंने बता दिया, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा, क्योंकि आज हम गिर चुके हैं और यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पर और गिर के इस सपोर्ट के आसपास आ जाएंगे। अब इस सपोर्ट के आसपास देखिए कोई यहाँ पर रेंज बने, रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, तो एक बेस्ट सिनेरियो होगा बाइंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। अडानी पोर्ट ने देखिए फाइनली ब्रेकआउट दिया और आज एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। अब यहाँ पर देखिए 620 रुपये के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट 625 और 630 रुपये का होना चाहिए इंट्राडे में। अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स ने देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। अब देखिए कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन से आकर बार बार बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। अगेन देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। अब इस जो ये जो लेवल है 2530 का, इसके आसपास आकर ये एक हर्डल ले रहा है, मीन्स जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक अभी बाइंग के लिए नहीं देखना है। 2530 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो हमारा टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये हमारा टारगेट होगा, तो 2530 रुपये के ऊपर बाइंग बना सकते हैं। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो मैंने बैंकिंग की मैंने वीडियो बना दी है, बैंकिंग की वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करके बताई है, इंट्राडे ट्रेडर्स को कैसे ट्रेड करना है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। अगला स्टॉक देख लेते हैं बजाज ऑटो का। तो बजाज ऑटो के लिए देखिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है 4,000 का। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर 4100 के आसपास खड़े हैं, अगर 4100 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पर कंटिन्यू 4,000 पे आएंगे, तो ये 100 पॉइंट्स का टारगेट इंट्राडे में हमको मिल सकता है। यहाँ से अगेन हम बाउंस बैक कर सकते हैं, अगर हमने ये लेवल ब्रेक किया तो हम काफ़ी नीचे की तरफ गिरेंगे, बट यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं बजाज फाइनेंस। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू इस वीक हम यहाँ पर सस्टेन किए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 5650 का लेवल ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो टारगेट हमारा यहाँ पर 6,000 रुपये के आसपास होने वाला है। अगला स्टॉक है हमारा बजाज फिंजर में भी देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिंजर में हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपना पोजीशन यहाँ पर बना के रखा हुआ था, जब इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था हमने तभी अपनी पोजीशन बना के रखी हुई थी और अभी कंटिन्यू हमने होल्ड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब इसने अपना जो है लाइफ टाइम हाई जो लगा हुआ था उसको क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग के लिए देख सकते हैं, 10,400 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए देख सकते हैं इंट्राडे में। अगला स्टॉक है हमारा BPCL। तो BPCL को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए हम काफ़ी दिनों से, अब यहाँ पर देखिए हम जुलाई से लेकर और आज तक हमारे लिए ये जो लेवल बना हुआ है ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा हर्डल है, 440 का लेवल। जब 440 का लेवल निकालेगा तो हम यहाँ पर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे, 480 और 500 हमारे यहाँ पर टारगेट होने वाला है। तो यहाँ पर इंतजार करिए, 440 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के लिए देखिए मैं चार्ट यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक देखिए एक हर्डल है हमारे लिए 610 का, और 610 के ऊपर देखिए हम यहाँ पर गए थे 610 के ऊपर, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद अगेन नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर मे बी मंडे के सेशन में कैंडल यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से अगेन ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है, एक बार पीछे टेस्ट हुआ है, एक बार यहाँ पर टेस्ट हो गया रेजिस्टेंस, एक बार ये टेस्ट हो गया, इस बार मे बी जब ये यहाँ से सपोर्ट लेकर निकलेगी तो इसको ब्रेकआउट कर सकती है, तो एयरटेल पर नजर बनाकर रखिएगा। अगला स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया देखिए कंटिन्यू जो है डाउनफॉल चलते चला आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये सपोर्ट है, देखिए ये हमारे पास है 3400 का। अगर 3400 का लेवल से यहाँ से ये अगर इसको बाउंस बैक होना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है बाउंस बैक होने के लिए। अदरवाइज अगर इसको बाउंस बैक नहीं होना है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम बहुत तेजी से गिरेंगे, तो ब्रिटानिया पर नजर बनाकर रखिएगा, मे बी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। चलिए हम अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये जो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने BPCL में, तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक हर्डल बना हुआ है। ये हर्डल हम मार्च महीने से हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, 150 के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने 150 के ऊपर क्लोज कर दिया तो हम यहाँ पर टारगेट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है वो 200
और 225 का होने वाला है। अभी फिलहाल इंट्राडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 132 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा है मे बी ये ट्रेंड लाइन, और ये हमारा जो नीचे का लेवल सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है 125-26 के आसपास हम यहाँ पर गिर सकते हैं। तो नज़र बनाकर रखिएगा, 132 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमारा इंट्राडे का टारगेट 129 का होगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं डीवी स्लैब का। तो डीवी स्लैब के लिए देखिए जो हर्डल है वो 3900 का है, तो 3900 का लेवल जब निकालेगा तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। फिलहाल इसमें अभी इंट्राडे में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेकर यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आ रहा है। मे भी देखिए अगर ये 3650 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम अगेन इस लेवल के आसपास देखेंगे, 3350 हमारा टारगेट होगा। मीन्स यहाँ पर 300 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं जब 3650 का लेवल क्लोज कर दे नीचे की तरफ। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा आइशर मोटर। तो आइशर मोटर देखिए वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा, बहुत अच्छा स्टॉक चलता है। अब देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट पर खड़ा है, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट करने के बाद ये पहली बार यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आया, बाउंस बैक हुआ। अब ये दूसरी बार यहाँ पर रिटेस्ट करने आया है, यहाँ पर मे बी बाउंस बैक हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2850 के ऊपर क्लोज करता है तो इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, टारगेट 2900 और 2950 रुपये के लिए जा सकते हैं। एक देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर देखिए कंटिन्यू, देखिए जब मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न बनाकर बताया था कि यहाँ पर हम डबल टॉप के लिए जा रहे हैं और यहाँ से अगर ये डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हुआ तो हम ये बहुत तेज़ी से गिरने वाले हैं। और फाइनली आपने देखा कि हम यहाँ पर देखिए 5500 से लेकर हम यहाँ पर 4300 पे आ गए, मोर देन देखिए हमने 1000 पॉइंट यहाँ पर कवर किए, 1000 पॉइंट से ज़्यादा हम यहाँ पर गिरे, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल सेम वैसा हुआ। अब देखिए अब ये ऊपर की तरफ सपोर्ट लेकर निकलने की कोशिश कर रहा है और 4950 से लेकर 4950 एक हर्डल है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा तो मे बी मैं पर्सनली पोजीशन जरूर इसमें बनाऊंगा। 4950 रुपये के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ टारगेट मेरा 5500 रुपये के आसपास होगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं गेल। तो गेल यहाँ पर देखिए एक अच्छा यहाँ पर मूव देने के बाद अभी देखिए रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया हुआ है। अगेन देखिए अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन से अगर ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता है तो अच्छा है, बट अगर ये अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम जो है 115 का टारगेट दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं। अगला स्टॉक देख लेते हैं HDFC बैंक, बैंकिंग की वीडियो बना दी है उसको देख लीजिएगा। ग्रासिम की बात कर लेते हैं। ग्रासिम देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मैंने यहाँ पर बताया था कि देखिए यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, इस चार्ट पैटर्न को मे भी देखिए हम मेगाफोन चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न बहुत रेयर केसेस में बनते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था ये कैंडल मे भी कहीं मैंने 1050 रुपये के आसपास आपको बताया था कि 1050 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। अब देखिए इसने जो हाई लगाया है वो 1250 का लगा दिया, अब मतलब हमको 200 पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब देखिए इसके लिए जो एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ ये ट्रेंड लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहीं अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, मे बी एक बार इसको नीचे की तरफ आने दीजिए। इन दोनों ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं भी मिलता है रीटेस्ट करने आएगा तो इसके पास कहीं मिलता है तो यहाँ पर दोबारा पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी यहाँ पर इंट्राडे में आप फिलहाल कुछ मत करिए इसको। अगला स्टॉक देख लेते हैं HCLTech। देखिए कंटिन्यू असेंडिंग चैनल, ये देखिए मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले निफ्टी में देखा कि निफ्टी जो पैटर्न बना रहा है असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, सेम HCLTech भी उसी पैटर्न में ट्रेड कर रहा है HCLTech। तो यहाँ पर देखिए जो असेंडिंग चैनल बन रहा है अब हम इसके लोअर पॉइंट पर खड़े हैं, लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास खड़े हैं और जो इसका हर्डल है वो 985 का है, 985 का लेवल यहाँ पर निकालता है तो हम यहाँ पर 1070 का टारगेट देखेंगे, बट एक बार 970 के ऊपर यहाँ पर क्लोज होने दीजिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं हीरोमोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर देखिए अब इसके लिए जो हर्डल है वो 3570 का है, 3570 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है एक क्लियर कट आपको दिख रही है, शूटिंग स्टार कैंडल है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 3500 रुपये के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 3450 रुपये का होगा इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम हिंडाल को। चलिए हिंडाल को देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एक ब्रेकआउट दिया इसने और ब्रेकआउट देखिए 5-8 फरवरी को इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर हम जो कैंडल देख रहे हैं वो एक इनसाइड कैंडल की तरह हमको हमको यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर जो आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग यहाँ पर इंट्राडे में बिल्कुल क्लियर कट 297.5 मतलब 297.50 के ऊपर यहाँ पर टारगेट आप 300 रुपये के लिए जा सकते हैं, मतलब 297.50 के ऊपर आप एंट्री बना सकते हैं। टारगेट 300 और 305 रुपये का होने वाला है इंट्राडे में। यहाँ पर देख लेते हैं IOC। तो IOC देखिए यहाँ पर कंटिन्यू ये जो ट्रेंड लाइन मैंने नीचे से ड्रॉ करी हुई है इसके आसपास बार बार सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता है। देखिए यहाँ पर कितना टाइम यहाँ पर सस्टेन हुआ, बाउंस बैक हुआ। यहाँ देखिए
अगेन ट्रेंड लाइन के पास आया बाउंस बैक, यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस बैक। अब दोबारा हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 94 का लेवल ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल अभी सेल मत करिएगा इसको। अभी यहाँ पर जब यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ रेंज बनाए या फिर कोई हैमर कैंडल बनाए, कोई यहाँ पर हमको मीन कन्फर्मेशन दे, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज मे बी ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हमारा यहाँ पर टारगेट 90 रुपये का और यहाँ पर 84 रुपये का टारगेट हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं ITC की। ITC भी देखिए, ITC ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जैसा मतलब पीछे कंटिन्यू डाउनफॉल हम देख रहे थे, तो ITC ने कुछ दिनों से यहाँ पर कंटिन्यू तेजी बनाकर रखी हुई है। बट यहाँ पर देखिए ITC में इन्वेस्ट करने का या ITC में आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो कोई मेरे हिसाब से देखिए मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ ITC के स्टॉक को। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक पड़े हुए मार्केट में, आप और सारे स्टॉक को देखिए। ITC जैसे स्टॉक में आप पैसे यहाँ पर फंसाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो जरूर करिए, बट स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा मतलब ये परफॉर्म कर सकता है। बट यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कुछ इसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट देखिए अगेन अपने लेम में आ चुका है, अगेन कंटिन्यू देखिए नीचे की तरफ। तो ये मतलब मेरे को सूट नहीं करता है, आपको मे भी सूट कर सकता है। तो यहां पर देखिए इंट्राडे में आप जो है 215 रुपए के नीचे इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट यहां पर 208 रुपए का और यहां पर 200 रुपए का होने वाला है। तो यहां पर क्लियर कट यहां पर 208 रुपए के नीचे इसको सेलिंग के लिए देखिए। अगला स्टॉक है हमारा इंफोसिस। तो इंफोसिस ने यहां पर देखिए कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता है, तो यहां भी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ और यहां पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करी है। तो ये ट्रेंड लाइन इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहां पर देखिए ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने वाला है और ये 1385 रुपए यहां पर हमारा टारगेट होने वाला है। मींस जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम यहां पर बुलिश हैं, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें आपने पोजिशन बनाई हुई है तो यहां पर कंटिन्यू बने रहिए। जब तक ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें से निकलने की जरूरत नहीं है। मे बी यहां पर देखिए इंट्राडे में अगर 1330 रुपए के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा तो 1340 और 1350 रुपए का टारगेट हमारा यहां पर मंडे को देखेंगे हम। अब देखिए यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील को यहां पर अभी बाइंग के लिए मत देखिए। अगर ये देखिए 3400 रुपए के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो यहां पर सेलिंग के लिए देखिए। मे बी इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलता है तो यहां पर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट फिलहाल अभी बाइंग के लिए मत देखिए। बाइंग के लिए देखना है तो 420 रुपए के ऊपर कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर इसको बाइंग के लिए हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कोटेक बैंक के एनालिसिस मैंने बैंकिंग की वीडियो में कर दी है, उसको जाकर देख लीजिएगा। एलटी देखिए, एलटी का मैंने आप लोगों को चार्ट मैंने पोस्ट किया था, मैं इसका वीकली चार्ट लगा लेता हूं और यहां पर मैं आपको लॉजिकली चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। अब एलटी के लिए देखिए यहां पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा है देखिए 2019 का मई में ये रेजिस्टेंस हमारा है देखिए 1600 के आसपास, और इसका चार्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और इस रेजिस्टेंस एरिया से देखिए हम 1600 के आसपास जाकर अब हम 1520 के आसपास आ चुके हैं। मीन्स यहाँ से हम 80 पॉइंट्स गिर चुके हैं। ध्यान रखिएगा जब 1600 का लेवल निकलेगा यहाँ पर तो यहाँ पर एक बहुत तेज़ी मूव होगी, बहुत तेज़ी मूव से हम मूव देखेंगे। टारगेट हमारा मे भी यहाँ पर 1700 और 1800 का होने वाला है। तो यहाँ पर मैं वन डे चार्ट करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस जाके जो है ना अपना रेजिस्टेंस पर अभी कंटिन्यू यहाँ पर होल्ड कर रहा है, मीन्स यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है। अब एक बार जब ये लेवल निकाल देगा 1600 का और 1600 के ऊपर हमको कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, मैं पर्सनली इसमें पोजीशन बनाने वाला हूँ। बट मैं कन्फर्मेशन के साथ पोजीशन बनाता हूँ, मैं ऐसे पोजीशन नहीं बनाता हूँ। मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ, मैं FII की मूवमेंट देखता हूँ, मैं DII की मूवमेंट देखता हूँ, मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले की मूवमेंट देखता हूँ। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, फंडामेंटल देखता हूँ, टेक्निकल देखता हूँ, सारी चीज़ें मैं देखकर फिर मैं पोजीशन बनाता हूँ। अगर आप मेरे कहने पर पोजीशन बना रहे हैं तो बिल्कुल मत बनाइए, अपनी एनालिसिस करके बनाइए या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही अपनी पोजीशन बनाइए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं MNM। तो MNM देखिए कंटिन्यू ब्रेकआउट के बाद ऊपर है, अभी यहाँ पर 950 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 1000 का होना चाहिए। अगला स्टॉक है हमारा मारुति। तो मारुति की फिलहाल अभी कुछ मत करिए, मारुति देखिए अभी बिल्कुल साइडवेज जोन में जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ आ चुके हैं। अब हम अगेन ऊपर जो है रीटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जाके, ये हमारे एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ पर कंटिन्यू जाकर होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर 7450 के नीचे निकलता है तो टारगेट हमारा 7100 और यहाँ पर 6750 का हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है। बाकी यहाँ पर स्टॉक है जो NTPC इन सबको तो मैं देखता नहीं हूँ। चलिए रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस के लिए देखिए अब जो ये ट्रेंड लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक अभी कोई बड़ी मूव हम इसमें नहीं देखेंगे। देखिए फिलहाल हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी 1927 रुपये के आसपास, ये 1927 के आसपास पोजीशन बनाई थी और कंटिन्यू अभी हम बने हुए हैं। मे भी देखिए क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टी टाइम यहाँ पर जो है टेस्टिंग हो चुकी है। अब एक बार हमको इसकी क्लोजिंग चाहिए 2100 के ऊपर। 2100 के ऊपर एक बार निकलता है तो हम यहाँ पर जो है टारगेट देखेंगे वो 2200 और
2300 का हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, सनफार्मा। तो सनफार्मा देखिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यू, देखिए मैं एक आप लोगों को बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर भी हम असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहे हैं और देखिए जब जब ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के आसपास आते हैं तो हम नीचे की तरफ गिरते हैं। यहाँ आए यहाँ गिरे, यहाँ आए यहाँ गिरे, यहाँ पर आए यहाँ पर गिरे, तो अगेन हम यहाँ पर हैं। अब मे भी देखिए अगर हम 610 रुपये को नीचे की तरफ क्लोज करेंगे तो गिरेंगे, बट यहाँ पर देखिए इसने ऊपर निकलने की कोशिश की थी, 655 रुपये के ऊपर निकलता है तो इसमें हम एक बहुत अच्छी तेजी देखेंगे, बहुत अच्छी मीन्स बहुत अच्छी। 655 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन होना चालू हो जाता है तो, बट अगर हमने नीचे का लेवल 610 का लेवल ब्रेक कर दिया तो अगेन हम यहाँ पर जो टारगेट होगा 550 के आसपास का होगा। टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस देखिए अपने अब यहाँ पर देखिए एक ऊपर का जो रेंज है इसका 3330 और जो नीचे की रेंज है वो 3030 और यहाँ पर बीच में एक रेंज में फंस चुका है। अब जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ के लिए इंट्राडे में जा सकते हैं। ऊपर अगर 3250 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर 3300 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नीचे अगर ये 3125 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है 3050 के टारगेट के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में। फिलहाल अभी पोजिशनल की जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। टाटा मोटर्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टेस्ला को टक्कर दे रहा है। टाटा का स्टॉक देखिए, टेस्ला एक ऐसा स्टॉक था जिसने सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नाम कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। अब ये टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो टेस्ला को भी पीछे करने जा रहा है। सो टाटा मोटर्स पर नज़र बनाकर रखिए, जब जब ये नीचे आता है आप इसमें अपनी क्वांटिटी लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में इसका बहुत आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका। सो इसमें चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, किसी दिन मैं आप लोगों को इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करके मैं बता दूंगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के लिए देखिए 1001, तो यहाँ पर 1001 के पास जाके हर्डल कर रहा है। 1000 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए या यहाँ पर 1020 के ऊपर क्लोज होता है तो हम यहाँ पर टारगेट जो होगा वो 1100 के आसपास का होगा। टाइटन को देख लेते हैं। टाइटन देखिए यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आ रहा है। सेलिंग के लिए देखिए इसको इंट्राडे में 1485 रुपये के नीचे निकलता है तो टारगेट हमारा यहाँ पर 1450 के आसपास होगा। इंट्राडे में सेलिंग के लिए देख रहे हैं, पोजिशनल में नहीं। अगला स्टॉक देख लेते हैं, यूपीएल का। तो यूपीएल देखिए ये ट्रेंड लाइन ऊपर से एक आ रही है तो जब ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। 556 रुपये का लेवल निकालेगा तो यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 578 रुपये और 590 रुपये हो सकता है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। फाइनली देखिए असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनती है, कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अगला स्टॉक देख लेते हैं, विप्रो का। तो विप्रो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एक रेंज बनी हुई है, नीचे की रेंज जो है वो 400 की है, ऊपर की जो रेंज है वो 450 के आसपास की है। एक बार इसको इसका हाई क्रॉस करने दीजिए, 470 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो नीचे से ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हुई है तो अगर यहाँ से ये कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की तरफ देखेंगे। इसे जी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को बताना भी जरूरी है। अगर ये पतली वाली ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट लेवल भी है। देखिए इसी सपोर्ट के आसपास हमने पिछली बार यहाँ से बाउंस बैक किए थे। चलिए हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल कंटिन्यू देता रहता हूं, चार्ट पोस्ट करता हूं और वीकेंड पर मैं जो भी पोजिशनल स्टॉक होते हैं, जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उन सब की मैं वॉच लिस्ट शेयर करता हूं। मैं अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल में। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप इंट्राडे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप है हमारा, वहाँ पर जो भी हमारे साथ अकाउंट ओपन करता है वहाँ पर मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम सर्विस देता हूँ जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है। तो मतलब मैं वहाँ पर अपनी इंट्राडे ऑप्शन की कॉल्स देता हूँ, 4 कॉल 5 कॉल 6 कॉल 7 कॉल जितने जैसे भी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो आप हमारे साथ आकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपको 4 से 5 कॉल इंट्राडे की मिला करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।